भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उदवंत नगर थाना पुलिस ने की है, जिसको लेकर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल व 1 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। उसको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि उदवंत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोटरसाइकिल पर अवैध हथियार के साथ 3 अभियुक्त किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी कर उदवंत नगर थाना क्षेत्र के सुढ़नी मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध को पुलिस को देखकर भागने लगे और जिसमें से 2 अभियुक्तों को अवैध हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभियुक्त भागने में सफल हो गया। इसको लेकर भोजपुर एसपी के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हिमांशु के नेतृत्व में उदवंत नगर थानाध्यक्ष एवं पुलिसकर्मियों के साथ एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में नारायणपुर थाना क्षेत्र के बनौली निवासी स्वर्गीय संतोष सिंह का पुत्र राजकुमार यादव तथा सहार थाना क्षेत्र के शिवथा निवासी रंजन सिंह का पुत्र आर्यन सिंह है। साथ ही एसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पूर्व में लूट की घटना से संबंधित उदवंत नगर थाना में कांड भी दर्ज है। वहीं भोजपुर एसपी ने बताया कि एक दिन पूर्व चले विशेष छापेमारी अभियान में शराब व शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें ख्वासपुर ओपी से 180 ml के 48 बोतल तथा 375 ml के 24 बोतल विदेशी शराब के साथ अभियुक्त पकड़ी निवासी राजकिशोर प्रसाद के पुत्र अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा संदेश थाना क्षेत्र में 54 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक अभियुक्त चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा निवासी नगीना पासवान के पुत्र अंकित कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं तरारी में भी छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां 50 लीटर देसी महुआ शराब के साथ सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के देव निवासी शिवनाथ नट के पुत्र राजेश नट को गिरफ्तार किया गया और जगदीशपुर थाना पुलिस ने 50 लीटर देसी महुआ शराब के साथ कुढ़वा निवासी ब्रजकिशोर सिंह के पुत्र शंटू कुमार को भी गिरफ्तार किया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि प्रतिदिन की तरह जो हम लोग औचक रूप से जो है वाहन चेकिंग वगैरह या बैंक चेकिंग या अन्य जो अभियान चलाते हैं, इसी के क्रम में दिनांक 6 फरवरी 2023 को हम लोगों को जो चेकिंग अभियान चलाया गया था सुबह, तो उसी के क्रम में उदवंत नगर थाना अंतर्गत सुढ़नी मोड़ है, तो सुढ़नी मोड़ के पास हमारे जो पदाधिकारी चेकिंग में थे तो उनके द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई थी। लेकिन इसके पहले इसमें बता दें कि एक हम लोगों को सूचना भी प्राप्त हुई थी, जो हम लोग अपना सूचना संकलन करते हैं कि 3 लड़के हैं, एक बाइक से निकले हुए हैं और ये कुछ जगह जो है लूट की घटना वगैरह का अंजाम देने वाले हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग जो है 3-4 जगह जो शहर के मेन पॉइंट थे वहाँ पर थोड़ा ऑफिसर बढ़ा के उसकी चेकिंग करवाए, तो सुढ़नी मोड़ पर जब ये तीनों लड़के पहुँचे वहाँ पर तो पुलिस वाले रोकने की कोशिश किए, तो ये भागने की कोशिश किए और उसके बाद जब वो उनको घेर के पकड़ने लगे तो पुलिस के ऊपर एक बार इन्होंने जो है हम हाथापाई भी करने के और इवन पिस्टल निकाल के जो है तानने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो पुलिस वाले वहाँ पर तैनात थे उन्होंने त्वरित गति से जो है उनको पकड़ के अपने कब्जे में किया और 2 लड़के वहाँ से गिरफ्तार हो गए और उसमें से एक का नाम है राजकुमार यादव, ये नारायणपुर थाना का रहने वाला है। दूसरा है आर्यन सिंह, ये शिवथा सहार थाना का रहने वाला है और इनके पास से जो है 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल जो अभी कुछ दिन पहले ही उसी थाना से जो है छीनी गई थी, तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। तो चोरी की मोटरसाइकिल जो है इनसे बरामद किया गया और इनके आंसू इन्होंने जो बताया एक लड़का और था उसका भी नाम सामने आ गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम छापामारी कर रही है, तो बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को बताना है कि आज हम लोग कल एक अभियान चलाए थे शराब के खिलाफ जो है, तो पूरे जिले में कई जगह काफ़ी बरामदगी हुई है। कुछ खास जगह जैसे ख्वासपुर ओपी में अंग्रेजी शराब और ये सबको मिलाकर वहाँ पर 48 बोतल जो है अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। उसके बाद संदेश थाना में भी हम लोग 54 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किए और तरारी थाना में भी हम लोगों ने 50 लीटर देसी महुआ शराब जो है बरामद किया और वहाँ पे जो कुछ कच्चा माल था उसको विनष्ट भी किया गया। जगदीशपुर थाना में भी 50 लीटर देसी महुआ
वो किया गया और वहाँ पर अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई और बाकी जो कच्चा माल और जो रॉ मटेरियल अन्य चीज़ें थी उसको जो है वहाँ पर विनष्ट किया गया।